शिक्षक मित्रों, एक प्रकारे आप समग्रतया शिक्षक आलमना प्रतिनिधि छो अने आ गौरव बीजा अर्थमां समग्र शिक्षक आलमनु गौरव छे। जेमने आ पुरस्कार प्राप्त थयो छे तेवा सौ शिक्षक मित्रों अभिनंदनना अधिकारी छे। कारण आ पुरस्कार एक लांबी साधना ने अंते मळतो होय छे। साच अथवा शिक्षक तरीके पोताना जीवन ने समर्पित कर दीधु होय, पोतानी जात ने खपावी दीधी होय, अने जे शिक्षक शिक्षणमय बन्यो होय छे, जे शिक्षक विद्यार्थीमय बन्यो होय छे, एज आ प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते होय छे। आ शिक्षणमय बनेल शिक्षकों ने विद्यार्थीमय शिक्षण बनेल शिक्षक मित्रों ने अनेक अनेक अभिनंदन आपू छू। मारा जीवन में हूँ आने गौरवपूर्ण घटना मानु छु। कारण सामान्य रीते 5 सप्टेम्बरे महामहिम राज्यपाल श्री द्वारा पुरस्कार की गोठवण थती होय छे, परंतु महामहिम राज्यपाल जी एमना पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों ने कारणे बहार होवाना कारणे आ सद्भाग्य मने प्राप्त थयु। हूँ एना माटे गौरव अनुभवु छु। मने आ छे के ज्यारे हूँ मुख्यमंत्री बन्यो त्यारे मारा मन में जे मन में एक बे इच्छाओ हती एमां एक इच्छा एवी हती कि बचपन थी के शिक्षकोए मने भणाव्यो छे, एक वार ए बधा शिक्षकोनो हूँ गौरव करूं। सदनसीबे 2 वर्ष पहला मारा एक पुस्तक नु लोकार्पण हतु, केळवे ते कळवणी। ए दिवसे मैं मारा बधा ज आ गुरुजनों ने निमंत्रण आप्युं हतुं, जेमणे मने बाल मंदिर थी मने आंगळी पकड़ीने मोटो कर्यो। त्यां सुधी जेमणे जेमणे शिक्षक तरीके मारा जीवन नी अंदर योगदान आप्युं ए बधाने मैं बोलाव्या हता। अने सप्तसीमे महामहिम राज्यपाल श्री ए पण ए दिवसे समय आप्यो हतो। अने अमदावाद नी अंदर गुजरात कॉलेज ना मैदान में हजारों लोगों नी हाजरी में जेमणे मने मोटो कर्यो, जेमणे मने संस्कारित कर्यो, जेमणे मने शिक्षित कर्यो, एमनु मैं जाहेर अभिवादन कर्यु हतु। अने मारा जीवन नी अत्यंत आनंददायक पळ हती मारा पोताना शिक्षकों नु सम्मान करे। मित्रों, एक डॉक्टर भूल करे तो कदाच एकाद बे पेशेंट की जिंदगी पर खतरो उभो थाय, पण एक शिक्षक भूल करे तो एक आखे आखी पेढ़ी खाड़े जती रहे, एक आखी पेढ़ी नष्ट थई जाय। आ शिक्षक ना हाथ में आ कुमला बाळको होय छे। आवतीकाल नु हिंदुस्तान, आवतीकाल नु गुजरात आ शिक्षकों हाथ में हो। एनु जीवन मात्र एनु ज्ञान नहीं, शिक्षक की सफलता में शिक्षक नु ज्ञान नहीं, पर शिक्षक नु जीवन बोलतु होय छे। अने जेटला प्रमाण में वधारे आ शिक्षकों जीवन बोलता थाय एटला प्रमाण में विद्यार्थी आलम में संस्कार सरिता बहती होय छे। अने जे जे बाळकों ने आ संस्कार सरिता आचमन लेवा अवसर मळतो होय छे एनु जीवन धन्य बनी जतु होय छे। अने आवी रीते एक प्रकारे संस्कार सरिताना बहार गंगा स्वरूपा जिंदगी होय छे, नर्मदा स्वरूपा जिंदगी होय छे, यमुना स्वरूपा जिंदगी होय छे, जेमा सिवाय निर्मळता काही नथी होतो। बीजाना पाप धोनार, बीजानी गंदगी धोनार, बीजाने स्वच्छ बनावनार, बीजाने निर्मळ बनावनार आ संस्कार सरिता आ शिक्षक ना प्रयासों ने कारण
एना पसीना माते बहती होय छे अने एना पसीनानी सुगंध आ संस्कार सरितानी अंदर महकती होय छे अने एना कारणे पेढ़ीओ घड़ाती एना कारणे पेढ़ीओ घड़ाती होय छे। ए पेढ़ीओ घड़वानुं काम शिक्षक आलमे करे छे। मित्रों दुनियानो कोई पण महापुरुष एना जीवन विषे कंई कहेतो होय लखतो होय त्यारे बे वात जरूर कहे छे। ए कहेतो होय के मारा जीवन नी अंदर बे लोकोनुं मोटुं योगदान छे, एक मारी मातानुं अने बीजुं शिक्षकनुं। दुनियाना 90% लोको पासे तमे आ सांभळ्युं हशे। आप कल्पना करी शको छो जगतनी अंदर जे जे श्रेष्ठ नियंताओ निर्माण कर्या छे आ शिक्षक आलम उभा कर्या छे। आ शिक्षकनुं गौरव ए समाजनी जवाबदारी छे। शिक्षकनी प्राण प्रतिष्ठा थाय ए समाजनी जवाबदारी छे। आचार्य तरफ जोवानो भाव ए समाजनी जवाबदारी छे। आजनो युग कंज्यूमरिज्म नो प्रभाव छे। ए समय में कोई पण काम कपरू छे। हुं जाणुं छुं पहेलाना जमानामां शिक्षक माटे विद्यार्थीने शिस्तमां राखवो बहु मुश्किल नहीं पड़तो हो, पण आजे कदाच शिक्षक ने विद्यार्थीने शिस्तमां राखवो होय तो एने 7 वार विचार करवो पड़े कि कंई मारे तो जेलना सरिया पाछळ नहीं जवुं पड़े ने। आवी मथामणनुं वातावरण छे, परंतु आ नवा वातावरणमां पण आपणे रस्ता काढवा पड़शे। आपणे आ प्रकारना भयने कारणे बाळकोनी जिंदगी बर्बाद थती जोई न शकीए। आ प्रकारना अपप्रचारनी आंधीनी वच्चे बाळकोना जिंदगीने असहाय छोड़ी न शकीए। अने तेथी एक जवाबदारीना भाव साथे, एक कर्तव्यना भाव साथे आवनारी पेढ़ी एनी चिंता करवी पड़शे। चीन में एक कहवत है, चीन की कहवत एम कहे कि जे 1 वर्ष नो विचार करे ए अनाज वावे छे, जे 10 वर्ष नो विचार करे ए फलफळादि ना झाड़ वावे छे, पण जे पेढ़ीओ नो विचार करे ए मनुष्य नी वावणी करे छे। शिक्षक मनुष्य नी वावणी करे, शिक्षक मनुष्य नी वावणी करे। अने मनुष्य मानवी मानव थाय तो घणो, मात्र हाथ पग हयू होय एटले मानवी नहीं बनी जाता। मानव ने संस्कारित करिए त्यारे मानवी प्राप्त होय छे। मित्रों प्रत्येक बाळक ने अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवी, प्रत्येक शिक्षक ना मन में भाव होय। मित्रों नदी नी अंदर घणा बधा पथरा तरता होय छे अने बधा पथरा सुवाळा पण होय छे, पण खूब ओछा पत्थर होय छे जे शिवलिंग नु रूप धारण करता होय छे। आ प्रत्येक पत्थर में शिवलिंग जोवानी ताकत शिक्षक, प्रत्येक पत्थर में शिवलिंग नु सामर्थ्य जोवानु सामर्थ्य शिक्षक नी अंदर होय छे। शिक्षक ने माटे आ कार्य ए नौकरी नथी होती, शिक्षक ने माटे आ कार्य ए व्यवसाय नथी होतो। शिक्षक ने माटे आ कार्य आ समाज नी एक मोटी जवाबदारी होय छे, एक मोटू दायित्व होय।